मम्मी अब तुम बहुत अमीर हो जाएंगे यार। कैसे हो अब आपने इतनी बड़ी ब्यूटी रेंज लॉन्च कर दी है। जाएंगे हाँ और क्या। सच? हाँ मुझ सचमुच। फिर तो मैं यही काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ अब बिल्कुल। तो हमारे पास इतनी अच्छी शीला भी मिल गई है। हाँ शीला हमारे कैसे आ गई? शीला को पता नहीं शीला कौन है। हाँ तो ये मतलब वेले काम आप करने बंद करोगे? छोड़ देते हैं बेटा, तेरे को पसंद नहीं आता। बेटा तू जो कहेगी मैं तो वैसा करूंगी। क्यों, मैं क्या सलमान खान हूँ? जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। आयान ये लो आपका शेक। रखो बेटा। अच्छा मम्मा, हाँ बेटा। वो जो नानी ने वो दिया था ना, क्या कहते हैं, वो हलवा बनाया था, हलवा दे दो नानी का जो बनाया था। हलवा? नानी ने तो कोई हलवा नहीं बनाया। बनाना था, मेरे को खुशबू आ रही थी। नहीं बेटा हलवा कोई नहीं बनाया। आप ये शेक पियो ना। हाँ मैंने, उन्होंने बनाया था। पूछ लेती हूँ मैं भाई, नानी कौन सा हलवा बनाया है? तो कौन सा हलवा बनाया नानी ने मेरे को तो नहीं पता। देख लेते हैं किचन में। हलवा तो कोई नहीं है यहाँ। मम्मी हाँ बेटा। यहाँ बैठे हो यार? आपने हलवा बनाया है? नहीं हलवा तो नहीं बनाया बेटा मैंने। जो यान कह रहा है कि नानी ने हलवा बनाया, मुझे हलवा दे दो। नहीं हलवा तो नहीं बनाया मैंने फिर क्या बनाया आपने? बेटा मैंने खुशबू आ रही है। मैंने तो क्रीम बनाई है, थोड़ी सी क्रीम बनाई है घर पे। मैं तेरे को दिखा नहीं रही थी, मैंने कहा तू फिर बोलेगी मेरे को, मम्मी क्या फालतू के काम करते रहते हो। यार कसम से ना वेल्ले काम करते रहते हो यार। क्रीम किस लिए बनाई है आपने? कहा है क्रीम वो वाली? ये डब्बी में क्रीम वाली चूज कर ली है। ये क्या है? इसी को हलवा बोल रहा है यान क्या? हाँ इसी को बनानी थोड़ी सी थी कढ़ाई में बनाई है। गाइस मेरा बेटा ना हलवा मांग रहा था। एक्चुअली हलवा नहीं है ये ना, मम्मी ने क्रीम बनाई जो हलवे जैसी है बेचारा। इसको अच्छा खुशबू अच्छी आ रही है, बड़ी खुशबू आ रही थी। कढ़ाई में मैंने सिर्फ चावल डाले थे। चावल? हाँ वो चावल, एक चम्मच चावल डालना था ना तो उसको पीसना था, तो मैंने पीसा। चावल की क्रीम है? चावल की क्रीम कौन लगाता है? चावल में एलोवेरा भी तो है बेटा, और भी तो सामान है बहुत सारा इसके अंदर। यार अभी क्या मिलने काम करते रहते हो? क्या करूँ फिर, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, मैंने कुछ पढ़ा तो मेरा दिल कर गया। गाइस तैयारी देखोगे? मैं दिखाती हूँ। ये देखो सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे हलवा क्रीम पे। हलवा क्रीम और रेसिपी भी लिखी हुई है। अच्छा देखो रेसिपी भी लिखी हुई है। और ये कोई कौन सा तेल है? ये नारियल तेल। ये नारियल का तेल है? चावल, एक चम्मच चावल डालते हैं बेटा बीच में उसको। ये तो उबले हुए चावल है, मिक्स करने के लिए चावल डालना पड़ता है थोड़ा सा बेटा। गाइस अगर आपके घर में राजमा चावल बने हो, कड़ी चावल बने हो, सांबर चावल बने हो, मच्छी चावल, चिकन चावल, कुछ भी बने हो, आपके चावल बच जाएं तो उन्हें बिल्कुल भी वेस्ट न करें, उनकी आप कोई चीज बना ले, उनकी आप क्रीम बना सके, फ्राइड चावल बना ले। एक्चुअली चावल से आपको पता, मैंने कहीं सुना था कि चावल, पता नहीं सही सुना था कि गलत सुना था, कि चावल से स्किन टाइट होती है, रिंकल्स कम हो जाते हैं। मैंने भी सुना है चावल से। ये ईवियन के कैप्सूल्स रखे हुए हैं और ये ना एलोवेरा है। ये एलोवेरा जैसे छील लेते हैं ना, इसको जब हम काट लेते हैं ना तो वो ऐसा हो जाता है अंदर से। तो ये मम्मी जो है ना छील के लग रहा है, इसको मिक्स करना था ना। इसको मिक्स करेंगे फिर ना बेटा। अच्छा तभी वो उसकी शेप आएगी ना, अच्छी पता लगेगा क्या बनना है। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो इस उम्र में, क्या क्या इच्छा आपकी? अब इस उम्र में क्या बिजनेस खोलूंगा, क्रीम क्यों बना रहे हो? यही काम रह गए क्या? आराम करो, ऐश करो, क्या क्रीम बनाते रहते हो? बिजनेस तो नहीं, घर में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना घर की चीज, पता नहीं उसमें क्या क्या डला होता है घर के चीजों में, वो तो यूज करते ही रहते हैं। वैसे मैंने थोड़ा सा, मेरे को सीखने की ना बीमारी है कुछ, मैं जब पढ़ लेती हूँ ना मेरा दिल करता है कुछ बनाऊँ। तंबोला खेलने की बीमारी है, हाँ। भूल जाने की बीमारी है, और जब कुछ और करने की बीमारी ना मिले तो एलोवेरा काट कर फालतू के काम करना शुरू कर तो देती ऐसी हलवे जैसी क्रीम बना दी है। और हमारी मम्मी जो है ना ये फ्री नहीं बैठ सकती, मैंने हाथ में सारी लग दी है बेटा। मैंने इसको लगाया ना तो ये क्रीम नहीं है, ये वो फेस पैक बन गया। अभी फेस पैक बड़ा अच्छा बन गया। एक मिनट गाइस, हम माफी चाहेंगे, ये क्रीम नहीं है, ये एक फेस पैक है। इन्होंने हमें बाद में बताया, पहले उन्होंने हलवा बताया सबसे पहले, हलवे के बाद में इसको उन्होंने हमारे को क्रीम बताया। अब ये कह रही है कि ये एक्चुअली फेस पैक है। मैंने लगा के देखा ना तो फेस पैक बन गया ये। अच्छा फेस पैक बड़ा अच्छा बन गया, ये तो यूज हो जाएगा फेस पैक। तभी तो चमक रहे हो और उस पर लिपस्टिक लगा लिया। अब मैं सोच रही थी क्रीम बनाऊंगी।
गाइस हम आप बहुत जल्दी एक प्रोडक्ट देखेंगे मार्केट में जिसका नाम होगा कांता के एलोवेरा के नुस्खे। घर में कोई आ गया है, एक ब्रेक लेते हैं, तब तक आप अपना नुस्खा बता दो कैसे बनाया है। ये तो एक बेटा एक चम्मच चावल है, इसमें एक चम्मच एलोवेरा डालना है, दो बीच में ये डालना है इवॉन कैप्सूल होता है, इसको काट के इसका रस निकलता है इसके बीच में, वो बीच में डालना है, और थोड़ा सा फिर एक चम्मच नारियल का तेल भी डालना है। इसको फिर मिक्सी में मिक्स कर लो या हाथ से मिक्स कर लो, पीस चावल को पीसना पड़ेगा पहले, क्योंकि ऐसे तो मिक्स नहीं होगा ना, इसको पीसेंगे तो फिर ये बन जाएगी क्रीम। सच में तभी लग गए थे। हाँ तो क्या होगा, मेरी मम्मी तो प्रॉपर उसका पता लग जाएगा बेटा, उनके पैसे बच जाएंगे। मेरी मम्मी प्रॉपर प्रोफेशनल ब्यूटी ब्लॉगर बन चुकी है। मतलब मैं हमारे घर में कुछ सामान आया था, मैं वो लेने गई थी और मुझे लगा ये चुप हो जाएंगी शायद, अकेले कैमरे में क्या बात करेंगी। अब मम्मी ने एक्चुअली शायद आपको रेसिपी नहीं इंग्रेडिएंट्स बता दी है। नहीं बताने की जरूरत, मैं क्रीम बना के इनको दिखा दूंगी जैसे फेस पैक बना दिया अचानक, सोचा थोड़ा था फेस पैक बनेगा, फेस पैक बन गया। देखिए हमारे देश में ये वैसे भी बहुत ज्यादा बातें चल रही है कि स्वदेशी देश वाली चीजों को कहते हैं स्वदेशी बनाना चाहिए, फ्रेश हो अपना घर का नारियल। मैं तो कहती हूँ नारियल पानी लाओ, उसे पियो मत, उसे पड़े रहने दो जब तक वो सूख ना जाए। फिर क्या होगा, उसका तेल निकालेंगे ऐसा तेल निकलता है, ऐसे तो निकलता है, नारियल सूख जाता है पड़ा, उसका जो उसकी गरी होती है वो एकदम सूख जाती है, एकदम ड्राई हो जाती है, फिर उसको ऑयल निकलता वो है, तो सड़ जाती है। ये गरी नहीं, तो तेल बनाने वाला ही बना सकते हैं। नहीं, मम्मी उसी से बनती है, गरी से ही बनती है। मैं नहीं बनाऊंगी बेटा, वो मेरे को अगले सालों भी लगते हैं। उसके बाद में जो है ये बाजार में बहुत इजीली उपलब्ध होते हैं इवॉन के कैप्सूल्स, ये एक्चुअली खाने से स्किन और बाल अच्छे होते हैं। इसको रोज खाना चाहिए, खाना चाहिए नसों के लिए, नसों के लिए अच्छा होता है। नहीं नसों के लिए नहीं, चेहरे पे ग्लो आता है, स्किन और बालों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तभी तो मेरे चेहरे पे ग्लो है और मेरे भी, क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ, तेरा भी, ठीक है। और गाइस देखिए सबसे अच्छी बात जो मम्मी ने दिखाई, ये चावल को जो है हमें क्या करना था, पीसना था। वैसे चावल को ना बेटा वो करते हैं, उबालते हैं, उबाला एक चम्मच चावल को उबालो, पर एक चम्मच चावल को उबालने में क्या है, उबला हुआ चावल मैंने डेली। अब देखो आपको एक चम्मच चावल उबालने के लिए, आप एक चम्मच चावल उबालना देखिए आसान नहीं होता, उस दिन उस दिन राजमा चावल बना ले, सांभर चावल बना ले, कड़ी चावल बना ले, खाने की भी चीज आपकी इस बहाने बन जाएगी। समझ रहे, आप सिर्फ क्रीम नहीं बना रहे, आप प्रॉपर भोजन बना रहे हैं आपके परिवार के लिए, और साथ में आप उनको दे रहे हैं क्रीम, तो चावल और क्रीम दे रही है हमारी मम्मी हमारे को, तो ये बहुत ही सुगत गृहिणी है, पापा बहुत ही लकी हैं। तेरे को याद नहीं है मेरी केतली कैसे जली थी, भूल गई, केतली जली पड़ी है। वो उसमें चावल रखे, एक चम्मच चावल था, उसमें पानी डाला और फिर किसी का फोन आ गया, मैं फोन करने बैठे गई, जल गया सारे, केतली भी जल गई सारी केतली, आपने तो नुकसान कर दिया, क्रीम जितने की बड़ी तो नहीं की, केतली खरीदनी पड़ जाएगी। अब तो मैं खड़े ध्यान से बनाई है मैंने, तो इन्होंने प्रॉपर ये रेसिपी निकाली कहाँ से है, यूट्यूब से। यूट्यूब देखिए, यूट्यूब की बहुत बड़ी फैन है और ये यूट्यूब फेसबुक पे जो है इस तरह की वीडियोस देख के उनको नोट कर लेती हैं, क्योंकि भूल जाती हैं, उसके बाद में ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है, चाहे वो खाने की चीज हो, इन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पहली बार पैसे लगे बेटा। हाँ हमारे कौन से पैसे लगे, इसके आप नेक्स्ट क्या बनाने वाले हो? नहीं कुछ नहीं बनाऊंगी अब मैं, नहीं नहीं क्रीम के बाद शैम्पू, कंडीशनर, मेरा मजाक उड़ाते हैं। हम आपकी पूरी रेंज लॉन्च कर सकते हैं, मतलब जैसे कांता, अपन मम्मी का नाम कांता है, कांता ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर थोड़ा बोला है, कांता ब्यूटी प्रोडक्ट, जैसे हमारी कांता ब्यूटी प्रोडक्ट, एकता कपूर का सारे प्रोडक्ट्स, सारे सीरियल्स के नाम से होते हैं ना, तो हमारी मम्मी का नाम ही कैसे स्टार्ट होता है, तो हम रख सकते हैं के कांता की क्रीम, नहीं नहीं हम कांता की बनी चावल कांता क्रीम, मना हम उसका नाम पता क्या करेंगे, के एम मतलब क्या है, KM कांता मांझी के वेले काम, वेले का हा? तो गाइज ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाएगा KM के नाम से, उसकी जो आई थिंक बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि घर के हमने बचे हुए चावल इस्तेमाल किए हैं और नारियल तेल आपको पता ही सस्ता सा आता है, और इवॉन का जैसे आपकी नसों में या स्किन के लिए आप खा रहे हो, तो एक कैप्सूल आप उसमें से निकाल लें, और ये तो घर में उगी जाते हैं, इनको सिर्फ काटना है और इनको निकालें, और उसके बाद में जो है आप इसको क्या, अब आप इसे फेस पैक बन गया, आप क्रीम बना लूंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो हमने क्रीम और फेस पैक बना लिए, शैम्पू और कंडीशनर मम्मी अभी अगले एपिसोड में बनाएंगी, और उसके बाद वो कंप्लीट रेंज हम आपको, हम इस पे चेपी भी लगाएंगे कि ये फेस पैक है, और सब आपको दिखाएंगे उसके अंदर, और हम
मतलब इतने बेल है बालों के बताओगे क्योंकि मेरे बाल नहीं है ना। नहीं बाल है यार, वो थायराइड की वजह से कम हो गए। कहते हैं ना प्याज का रस लगाओ, ये लगाओ, पता नहीं प्याज से मेरे को स्मेल लगती है इसलिए नहीं लगाती। प्याज में परफ्यूम डाल देंगे, एलोवेरा डाल देंगे। नहीं नहीं आपके बाल बिल्कुल ठीक है। देखिए एज के साथ तो बाल कम होना व्हाइट होना बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है, एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। और मैं खैर मजाक उड़ा रही हूँ बट एक्चुअली मैं घर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के लिए, घर का जो किचन है ना वो अपने अंदर एक ब्यूटी पार्लर है। घर के किचन में से हल्दी, बेसन, दही, नींबू, टमाटर, ये हमारी स्किन के लिए इतने अच्छे होते हैं। और मजाक मैं कर रही थी क्योंकि एक्चुअली कहती है मैं थक जाती हूँ, मैं दिल नहीं करता कुछ करने का, मेरा मन करता है मैं आराम करूँ। फिर मैं जब भी आती हूँ ना ये कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। तो आज भी देखो ये क्रीम बना रही हैं, बना तो हमारे लिए ही रही हैं। तो अभी हमारे को लगा के खाएंगे। मैं नहीं लगा रही। अच्छा हाथ पे लगा रही हूँ। हाथ पे लगाऊंगा तेरा हाथ चमक जाएगा, देखो। ओह माय गॉड इतनी चमक, देखो देखो व्यूअर्स गाइस देखिए मैं चमक गया, देखो देखो गाइस मेरा हाथ चमक गया, चमक मार रही है, सच में चमक आ रही है उसमें, उसमें चमक आ रही शायद। हाँ ये देखो बड़ी अच्छी बन गई। ये फेस पैक मेरे हाथ पे अप्लाई किया जा रहा है। फेस पैक नहीं, फेस पैक ही बोला है। फेस पैक तो मतलब मुझे घर में देखिए आप समझ सकते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ में लगाने में तो और सुंदर बन जाएगी। देखिए मैं तेरे को और सुंदर बना दूंगी बेटा, जैसे वो रानियों को दूध से नहलाते थे ना। हाँ, कोनी पे लगा दे। अरे कोनी पे क्यों लगा रहे हो? इससे ना ये जो ना काली नहीं होगी कभी। मेरी काली है ही नहीं, मेरी बिल्कुल साफ है। तिल तो है नहीं काली। हाँ तो फिर क्यों लगा रहे हो? वैसे अक्सर लोगों की ना काली हो जाती है। ये बिल्कुल कैसे से बना दिया आपने ये? इधर भी लगा दो। लगा लो लगा लो, अब मम्मी ने बनाई तो किसी भी तो इस्तेमाल करेंगी। तो अभी देख सकते हैं आ क्या आराम आ रहा है मुझे। ये हमारे फ्री में बन गया, हमारे पैसे पर जलन हो रही है, हर चीज घर से। मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता गाइस, मुझे एलोवेरा एक्चुअली में सूट नहीं करता, मैं एलोवेरा लगाती हूँ ना। चल ठीक है कोई बात नहीं बेटा, आज बस देख ले, नहीं पसंद तो छोड़ दे, कौन नहीं धो ले इसको, नहीं पसंद तो गाइस आप देख सकते हैं। वैसे मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता है, मैं एलोवेरा अगर ये लोग काट के डायरेक्टली स्किन पे लगा लेते हैं, अगर मैं लगाऊं मुझे बहुत इचिंग हो जाती है, तो ये मुझे एक्चुअली इचिंग दे रही है। और चावल की वजह से थोड़ा सा सुकून मिल रहा है मुझे इसके अंदर, स्किन टाइट होती है मतलब इससे। हाँ तो मुंह पे लगाना था ना ये, मैंने हाथ पे लगा लिया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ अभी मैं धोके आऊंगी, आप देखिएगा किस कदर चमक रहा होगा इस हाथ में। उस हाथ में देख कितना चमक है, देखिए इस हाथ में कुछ भी नहीं है, इस हाथ में कितनी चमक है वो ऐसी जब एडिटिंग करेंगे तब पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं गाइस आपकी मम्मी ने मुझे कैसा ब्यूटीफुल सा बना दिया है। तो ये स्टूपिड सा व्लॉग यही तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शैम्पू और कंडीशनर के साथ में। और चलिए थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।